अरे बाप रे, इतना प्यार। बहुत प्यार। हाँ। अर्जुन भैया, आप ना हमें नॉटी लगते हो और थोड़े पागल भी, और कभी कभी तो खड़ूस भी लगते हो। हम आपको बहुत मिस करते थे। बस करो पगलो, रुलाओगे क्या? भैया, हम लोगों ने आपके लिए गिफ्ट लाया है। ये मेरे लिए? हाँ। चलो देखूं। थैंक यू सो मच। घड़ी लाए हो क्या मेरे लिए? लगता है मेरा ए! वेलकम टू द 25th यानी सिल्वर जुबली एपिसोड ऑफ किचन चैंपियन पावर्ड बाय रिलायंस स्मार्ट। और इस शानदार मौके पर ऑफ कोर्स मेरे खास WTFs आएंगे। सबसे पहले द एक्ट्रेस कम मॉडल कम होस्ट कम खतरों की वेलकम रिधिमा एंड रीमा। हमेशा अच्छा बेटा, अच्छे आशिक का रोल प्ले करने वाला शिविन, लड़के जनरली अपने गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। आप सीधे साधे टाइप्स हो, इसीलिए क्या आप शिव इन रिलेशनशिप में हो? मैं शिव इन रिलेशनशिप में। शिव इन? इन मतलब खुद से रिलेशनशिप में। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बहुत गर्लफ्रेंड है आंटी? गर्लफ्रेंड बहुत है लेकिन पर ऐसा किसी के साथ सीरियस नहीं। सीरियस नहीं है ये? नहीं। अर्जुन भैया, इस बार हाइट वाइज है, उधर आपसे छोटी, आप उनसे बड़े और आपसे वो बड़े। इसका बच्चा यार। वहाँ पर साइज वाइज है, दो पतली बीच में मोटा। बहुत डेरिंग थी ना जी? क्या खाना बनाने में भी डेरिंग हो या नहीं बताओ भाई? मेरी आवाज चली गई। मैं उसके लिए जवाब देती हूँ। रिधिमा काफी अच्छा खाना बनाती है। आज हम उसी का ही टेस्ट लेने आए हैं। ओके। पर एक बात मुझे पूछनी है, कौन कौन मेरे जैसा कर सकता है? ये ऐसे करके रगड़ के। हाँ, ये हो गया, सिकर सकता। ऐसे काम धाम दिलवा दे। थैंक यू सर। मुश्किलों में बोलिए जय माता दी और रोज सुबह कीजिए जय नाश्ता जी। तो किचन चैंपियन का पहला राउंड है नाश्ता का वास्ता। रिधिमा जी, आप आज नाश्ते में क्या बनाने वाली है? गाजर के पकोड़े विद अ चीजी डिप। इतना बड़ा नाम। थोड़े बच्चों को उल्टी भी होती है। अच्छी क्वालिटी का लाना। मुझे डर लग रहा है। बताइए। तो आज मॉम बनाने वाली है छोटे चीज काकड़ी, जो काकड़ी मतलब खीरा, जिसको हम इंग्लिश में वैसे कहते हैं क्यूकम्बर चीज कैनेपी। क्यूकम्बर वो खीरा वो, खीरा खीरा खाते हैं। छोटे छोटे क्यूकम्बर है ना, वो आप
थोड़ा कम कम डाला, मुझे ज्यादा कुकम्बर मेरे लिए ज्यादा डालना। चीज चीज खा लेना खाली, ठीक है? दो प्लेटें बनाओ, एक में ज्यादा डालो एक में कम, ठीक है? मुझे ज्यादा कम। क्या बना रही हो? तो सबसे पहले हम गाजर इसमें डालेंगे। ओके। बेसन। हम इसका बैटर बना रहे हैं। चिली फ्लेक्स, पार्सले, स्वाद अनुसार। हाँ जी, स्वाद अनुसार। ये है सॉल्ट और ये है पेपर, जिसके बिना कोई भी खाना अधूरा है। और आपको अगर ये सारी सामग्री चाहिए तो आप जा सकते हैं रिलायंस स्मार्ट, वहाँ आपको सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक और चीज, हम सबको पता है कि गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बट उसके अलावा गाजर इज ऑल्सो गुड हमारे दांतों के लिए, गम्स के लिए, और इसमें 87% वाटर होता है। तो अभी बिकॉज गर्मियां आ रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए, तो खास करके बहुत ही अच्छा है। अरे ये क्या, ये आपने? एक पैन ले जिसमें जैतून का तेल डाले और गाजर के मिक्स को थोड़ा चपटा करके पैन पर पकने के लिए रख दे। इन्हें अच्छे से पकाए जब तक उनका रंग दोनों तरफ से भूरा ना हो जाए। जी, अभी इसको, ये पकौड़े हैं तो थोड़ा उसका शेप। क्वालिटीज बताओ जो आपको लगता है कि यार ये मुझ में भी होनी चाहिए। रिधिमा बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब वो मूवी देखते हुए भी रो देती है। मेरी तरह, मैं भी बहुत सेंसिटिव हूं। अच्छा, दूसरा आई डोंट नो वो अच्छी क्वालिटी है या पता नहीं क्या, पर रिधिमा बहुत कंजूस है। There are other TVs, तो उसने बोला नहीं बिल ज्यादा आता है ना, तो एक ही टीवी चला। आप बताइए, अभी ये पैटीज टाइप आप बना रही हैं इसको? जी, अब हम इसको थोड़ा सा और होने देंगे, फिर टर्न करेंगे ऐसे। ओके, चलो ये आपका तब तक तैयार होता है, मैं वहां जाता हूँ। शिविन, सबसे पहले हमें बताइए कि क्या क्या सामग्री लगती है। यार ये क्या ड्यूटी दे दिया, खीरा छीलने की, ऐसे शेव करो बेचारे को। ये शादी होने के बाद फायदे देखो कितने। आंटी बताइए, इसमें फैटा है और क्रीम चीज है। ओके, बहुत मार पड़ी है। मैं बाद में रोती थी इसको मार के, रोती भी थी। हर माँ ऐसी ही करती है, पहले मारेगी फिर खुद ही रोती बैठेगी। बात तुम्हारी तारीफ कर रही थी बहन, क्या अच्छी लगती है। तो क्या ख्याल है?
वो तो अब ये दोनों जाने। सिल्वर जुबली एपिसोड है, इसीलिए नाच गाना तो होगा ही, पर थोड़ा ट्विस्ट के साथ। ये है कोसामुई के कबीले का खेल, मारी माँ क्रेजी छे, उसका लैंग्वेज सिलेक्शन अंग्रेजी छे। इसमें किसी हिंदी गाने को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दूंगा, बट सॉरी बजर का बजट नहीं है, इसलिए हमारे पास भोपू है। बहुत लाउड है ये तो। तो जो पहले भोपू बजाएगा वो जवाब देगा। जवाब देगा। ओके ओके ठीक है। ओके, गोल्ड इज सो गोल्ड, हार्ट इज लाइक गोल्ड। क्या गाती है आपकी होने वाली बहू? थोड़ा उसका गला, गला खराब। I am a player, you're good for nothing. When I see a girl, mouth starts whistling. चलो नेक्स्ट। समटाइम्स वी मैच लाइक अ सारी एंड इट्स लाइनिंग, समटाइम्स यार इस पागल लाइन में पहले बता रहा क्या, सब कुछ पागल हो गया क्या? उनको साड़ी वाला गाना भी नहीं आता। आना इधर, आना मुझे हेल्प कर, मुझे आए कहां, किसके हाथ में दे दिया? वो खुद एक भोपू है, बिरस की जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। अब जब आप पूछो हम भी बताएंगे। एक्सप्लोड 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 ज्योति कॉम्प्लेक्स। ज्योति कॉम्प्लेक्स फ्लैट का नाम है। फ्लैट जा अपने सीट पे बैठो, भोपू तो दे जा। ओके अभी नेक्स्ट। देयर इज नो सोलफुल आईज एनीवेयर, देयर इज नो इल्यूमिनेटेड फेस एनीवेयर, देयर इज नो टॉक्स ऑफ हार्ट एनीवेयर, नॉर दैट फ्रेश यूथफुल ब्यूटी। लिरिक्स खराब है मेरे लिरिक्स खराब है, गाना सही है। स्टेप कर दो जा, दुनिया का स्टेप कर दो जा। तुम भी तो
ओके, और इस गेम की विनर है रिधिमा। इस गेम की विनर है रिधिमा, जो 3-1 से ये गेम जीत गई है। चलो खाना अच्छा, बनाओ। चलो चलो, गोभी पकड़ के ही रहेगी। वाह दीदी, आपने तो इतना अच्छा कर लिया। ये जब डाला था तो कुछ और था। ये आप कैसे बन गया भाई? आप जब गेम खेल रहे थे ना, तभी उसको तो आपने रियलाइज किया कि गाजर बहुत ज्यादा हो गया और बेसन बहुत कम। काकड़ी को काट दिया और अब इसमें जो भी हमने ये फिलिंग की ऑलिव्स और ये धनिया है, धनिया बस ऐसे ड्रेसिंग के लिए। ड्रेसिंग के लिए ये आपने इस पे चीज भी डाला, ग्रेटेड। जी, चीज इज हेल्दी, तो चीजी डिप तो है ही, बट वी थॉट टू मेक इट लुक प्रिटी। टोमेटोज भी बच्चों को पसंद होते हैं और थोड़ा कलरफुल भी हो जाता है, तो मैं थोड़े से 4-5 में मैं टोमेटो खाइए। आप भी तो बच्चे ही हो, दिखते बड़े हो, खूब अच्छे। जिनके मम्मी पापा होते हैं वो बच्चे ही होते हैं, चाहे आप बुड्ढे क्यों ना बन जाओ, आपके पापा तो होंगे ही ना। कौन? ये तो गर्वित ने बहुत सही कहा। कौन से आर्ट ऑफ लिविंग के क्लासेस ले रहे हो? जैसे मेरे पापा के पापा के पापा के पापा के पापा। ओके जजेस, मैं आप मुझे जानता हूँ आपको बहुत भूख लगी है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते और बुलाते हैं इंटरनेशनल टॉक। आपको खिलाना पड़ेगा। अच्छी चीज़ हाँ, खिलाओगे हाँ। अच्छा है ज़्यादा। पहले ये खाओगे आप? ठीक है आप खाओ। कोई अंडा लीव बनाना। ठीक है, कोई अंडा लीव निकाल देता हूँ मैं इसे। तुम्हें क्या चाहिए, लोग यहाँ आके गंदा खाना दें? अंडी क्या मैं आपके बहू को एक खिला सकता हूँ भाई? जरूर। यम्मी आंटी, यम्मी सुपर। सना बढ़ता। चलो सही है, चलो। आप हाँ अभी खिलाओ। अच्छा पहला बाइट कौन लेगा? मैं पहला खड़ा हूँ ना। अच्छा हम ऑर्डर में जा रहे हैं? नहीं, तुम पहले नहीं भी खड़े होते हो। अरे अपनी स्माइली बॉल फेंक। आपने बोला था स्माइली बॉल देना है। न्यू न्यू न्यू, थोड़ा और डिप लेंगे। हाँ अभी ये न्यू है ना। थैंक यू। पर ये आपको कैसा लगा? मेरे को भी अच्छा लगा। अयो रिधिमा दीदी, आप तो बोल रहे थे आप पकौड़ा बनाओगे, लेकिन ये तो बिल्कुल पैनकेक जैसा है। मैंने सोचा पकौड़ा बड़ा बोरिंग साउंड करता है, तो इससे मैंने अभी फिर डिश का नाम बदल कर कैरेट पैनकेक्स कर दिया। कैरेट पैनकेक्स, वाओ। आप रिजल्ट दे दो प्लीज इनायत। मैं ये
स्माइली बॉल देना चाहूंगी। एक एक हो गया है स्कोर, ठीक है? क्या हो गया? अभी एक स्माइली बॉल बची है परी की। परी डिसाइड करेगी कि नाश्ता का वास्ता में का वास्ता में दिखा दिया कि उनमें है बच्चों को खुश करने की क्षमता और कला। इनके लिए तूफानी तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाश्ता का वास्ता तो केजी क्लास की परीक्षा थी, रोंगटे खड़े कर देने वाला बोर्ड एग्जाम तो अब आएगा। द बिगेस्ट लड़ाई है वह आखिरी कड़ाई। जो जीतेगा ये राउंड होगा दर्शकों और इन अजीज बच्चों के लिए स्वादिष्ट मेन कोर्स और साथ ही साथ टेस्टी डेजर्ट। यस, जिसके लिए आपको मिलेगा वही जो ब्यूटी पेजेंट्स में मिस्टर इंडिया और मिस्टर वर्ल्ड बनने वाले लड़कों को हिंदी फिल्मों में मिलता है, यानी कि एक बड़ा घंटा। उसके लिए आपको दी जाएगी एक मुख्य सामग्री जो जलपरी अपने हुस्न के घूंघट में छुपा कर आपको दिखाएगी। साफ ही होगा और क्यों। आज की मुख्य सामग्री है किनोआ। इस मुख्य सामग्री को बेस मानकर आपको बनाना है आज का मेन कोर्स। तो सिल्वर जुबली के मौके पर स्पेशल क्या क्या बनाने का इरादा है? हम बनाएंगे किनोआ बिरयानी। और आप क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे इसमें वेजिटेबल्स डाल के किनोआ चाइनीज बाउल। और आप मीठे में? डिजर्ट में मैं इनके बेटे की एक फेवरेट डिश है एप्पल कुकी। तो एप्पल कुकी, एप्पल कुकी बनाएंगे। और आप क्या बनाएंगे? योगर्ट की चुस्की। चुस्की योगर्ट की चुस्की। योगर्ट चुस्की बच्चों को पसंद है। दही चुस्की। तो क्या आप तैयार हैं आखिरी कढ़ाई के लिए? यस यस। आपकी तैयारी को चूल्हे में पकने दीजिए, क्योंकि सामग्री पाने के लिए पहले आपको खेलना होगा आईकेके। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल खूनी खेल। इस खेल को जीतने वाली टीम को मिलेगी इज्जत और सामग्री की होम डिलीवरी। वाला दुआ करना शुरू कर दे, क्योंकि उसे मिलेगा भारी डिश एडवांटेज। आईकेके का नाम है पंगा ना लेना हमसे, गुब्बारे फोड़ेंगे पिन के बम से। इस आईकेके में 5 लाल गुब्बारे हैं। दोनों टीम से सिर्फ एक ही इंसान लाल गुब्बारे को फोड़ेगा। जो फोड़ेगा उसकी आंखों में कानून की पट्टी बांधी जाएगी। उनके पार्टनर वो आपको निर्देश देंगे कि आपको कहां जाना है, कैसे फोड़ना है, ठीक है? लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। आगे जाने के लिए आलू दम, पीछे जाने के लिए दम आलू, लेफ्ट जाने के लिए सूजी का हलवा और राइट जाने के लिए हलवा का जलवा बोल सकते हैं।
वही जीतेगा. आर यू रेडी? वी आर रेडी. काउंट डाउन देते हैं, 3, 2, 1, गो शिवेन. हाय हाय, बताओ. यस यस यस. आलू दम. हाँ जी. सूजी हलवा. सूजी हलवा. यस 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 यस. रिधिमा की बारी है. गो. हार गई क्योंकि आपने फूटा हुआ जो गुब्बारा था दोबारा फोड़ा. तुम्हें तुम्हारी सामग्री सजाई हुई जो मिली है वहां देखो. और रिधिमा तुम्हें मिला है डिश एडवांटेज, तो इनको वहां पैंट्री में जाना है पर थोड़ा ट्विस्ट के साथ क्योंकि किचन चैंपियन में कुछ आसान नहीं. एक और, आपको इसको जगल करते हुए वहां जाना और अपनी सामग्री लानी है. मैंने कभी किया नहीं है. और मजा आएगा. चलो चलो चलो, लेट्स गिव देम द काउंटडाउन. 3, 2, 1, गो. तुम्हें अभी सुनो, तुम संतरे का ठीक से कर नहीं पा रहे हो तो तुम्हें बिल्ली की तरह वापस जाना है अपनी सामग्री लेके. जल्दी जल्दी, कम ऑन. म्याऊ करते हुए. हाँ, मैं तब तक जागल कर रहा हूँ तुम्हारे. जल्दी जल्दी. हाँ, क्या क्या डाला आपने बताइए मुझे.
सबसे पहले हमने डाला 2 टेबलस्पून घी, उसके बाद जीरा, फिर ये दालचीनी के स्टिक्स हम लोग ने एकदम छोटे करके डाले, अदरवाइज वो बहुत मुंह में आता है। सो ओके, अभी इलायची, 3 इलायची के स्प्राउट्स खोल के डाल रहे हैं इसमें। अब बस इसे हम थोड़ा सा ओके, और ये भी डालेंगे सूखी मिर्ची। मुझे एक बात बताइए, आप दोनों बहनों की टेस्ट काफी मिलती है। हाँ। कभी कोई सेम लड़का पसंद आया क्या आप? मैं जब छोटी थी ना तो इनके जो पहले बॉयफ्रेंड थे वो बहुत क्यूट थे, तो मुझे उन पे बहुत बड़ा क्रश था। वो हमेशा इन्हें पिकअप करने आते थे, तभी मैंने टीवी पे बोल दिया रीमा अब प्लीज मैनेज माय हस्बैंड, जीजा जी को सब। तो ठीक है यार, मतलब शादी के पहले की बात है, उसमें क्या है? वो तो है, कुछ लोग तो शादी के बाद भी नहीं सुधरे। अब हमने डाला है प्याज। इसको सुनो, अभी आप एक बहुत अच्छी मॉडल हो, मतलब कैटवॉक करते कैसे, मुझे मुझे सीखना है। अरे बहुत सिंपल है, ये मैंने कॉलेज में सीखा था। हाँ बताओ। दिस इज हाउ यू स्टैंड। ओके अच्छा आंटी, आप भी आइए सीखिए। कम आंटी, सासू माँ को तो सिखाओ। अच्छा आंटी और मैं करेंगे। आंटी चलो, सबसे पहले आप दोनों पैर सिर्फ ऐसे रखेंगे। ओके ठीक है, लेफ्ट पैर आगे, राइट से। अब जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे इसको, इस पैर को ऐसे लेंगे, फिर ऐसे देख, मॉडल्स ऐसे करते हैं, एक्टर्स होते हैं वो ऐसे करते हैं स्टेज पे जाके, समझे? प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू, चलो आ जाओ। खुशबू तो अच्छी आ रही है, अभी बताओ क्या क्या डालना है। जब आप ये कैटवॉक कर रहे थे तो इसमें मैंने ग्रेटेड गाजर डाले हैं, ओके, थोड़े मटर डाले हैं, अब ये आलू आपके हाथ में है वो आप डाल दीजिए, थोड़ा सा उसको हम वो होने देंगे, ब्राउनिश मिक्स हो जाने देंगे पूरे रंग का। अब ये जो किनोआ है हमने ऑलरेडी इसे बॉईल करके रखा हुआ है, इसे आधा घंटा आप उनके लिए ये प्रोटीन सब्स्टिट्यूट बन सकता है, एंड प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए, हमें स्ट्रेंथ के लिए, माय राइट अर्जुन, एंड इट इज आल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। सासू मां देख रही, व्हाट आर यू डूइंग? क्या ये मेरे लिए तुम्हारी आंखों में मिलता है? आंखों में तिनका आ जाएगा अर्जुन, कैसी बातें कर रहे हो? फूंक मार दूंगा तुम्हारी आंखों। दीदी यहां पर कोई लड़का मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, मुझे नंबर दे सकता है? नेहा, नेहा उनके पास है। गर्वित, गर्वित कहां है? अर्जुन भैया कोशिश मत करो, आप भी हमारे पास फोन है, सब फोन करने में लगे रहते हैं, सच बता रहा हूँ। हाँ ये क्या, नमक? तो आप इसे पकाइए, तब तक मैं देखता हूँ कि हमारा बेबी शिविन क्या कर रहा है। अदरक लहसुन डाला है, हाँ। और ऑलिव ऑयल डाला है, थोड़ा धीमी आंच पे इसको सॉटे कर रहे हैं, हाँ। और अब क्या डालना है? इसमें अनियन डालने हैं, डालो डालो अनियन डालो। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को चावल नहीं खाने हैं तो उसे किनोआ से आप रिप्लेस कर सकते हैं, मैं राइट आंटी? यस, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उनके टिश्यू रिपेयर होते हैं, बच्चों के इश्यूज तो सॉल्व हो जाते हैं आंटी। हाँ जी, ये बताइए शादी के इश्यूज सॉल्व होते हैं किनोआ से? हाँ होते हैं, अगर हेल्दी हेल्दी खिलाएंगे तो। अपनी बीवी को किनोआ खिलाना चाहिए? बीवी को हस्बैंड को खिलाना चाहिए। खुद खाने लगी। इसको हमने 1 कप किनोआ लेके और 2 कप पानी डाल के इसको हमने बॉईल किया है, इसमें हम सब वेजीज डालेंगे। मेरे ख्याल से अनियन तो हो गए हैं सॉटे हमारे, तो हम इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। शिविन मुझे एक बात बताओ, तुम एक्टर हो, इस पूरे जर्नी में तुम्हारे हूज बीन योर ग्रेटेस्ट सपोर्ट? जो मेरे ग्रेटेस्ट सपोर्ट हैं ऑब्वियसली माय मॉम डैड एंड स्पेशली माय मॉम। बाहर से ये इंडस्ट्री बहुत ऐसे लगती है कि यार बहुत ग्लैमरस है ऐसे है, एंड साथ में एक डर भी होता है कि अपने बच्चों को यहाँ भेजें कि ना भेजें, इतना कंपटीशन है, कुछ सही है नहीं है,
तो ऐसे ही डाउट्स मेरे मॉम डैड को भी थे. डैड इतने एग्री नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको था कि घर का बिजनेस है या जॉब है उसमें कंटिन्यू करो. सो बट मॉम रिली बहुत अच्छी चीज शेयर करना चाहूंगा मैं किचन चैंपियन में. लास्ट ईयर माय फादर वाज नॉट वेल, ही वाज सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर. सो मेरी मॉम ने आगे बढ़ के शी डोनेटेड हर किडनी टू माय फादर. सो दैट्स अ रियली बिग थिंग एंड आई गेस ओनली अ मदर कैन डू इट. सब मॉम डैड दोनों फिट एंड फाइन है एंड किचन चैंपियन में है. यस यस, शो को आगे बढ़ाते हैं. नेक्स्ट क्या करना है? मैं ये सॉर्ट कर दूं? हाँ, इसको सॉर्ट कर दो. अच्छा शिविन, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या बनते? मैं स्पोर्ट्समैन होता क्योंकि मैं स्कूल और कॉलेज में स्पोर्ट्स कैप्टन था राइफल शूटिंग में, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड जीता था. आई वाज अ नेशनल शूटर. फिर एक्टिंग यहाँ ले आई हमें. चलो बिल्कुल बढ़िया. ये हमने सब इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर लिए हैं. क्या क्या? जैसे कि आपने बताया था गाजर, इसमें हमने शेजवान सॉस, तिल डाले हैं, गाजर डाली है, पीनट्स डाले हैं, मूंगफली डाली है, ये इसमें ग्रीन ऑनियंस है, हाँ, और धनिया है, सॉल्ट है, और लेमन जूस भी डाल दिया इसमें थोड़ा. जूस भी डाल दिया. अब हमें ये सब वेजिटेबल सॉटे करके और फिर हम किनोया, कैप्सिकम हो गया हमें, हाँ हो गया, तो उसको साइड में निकाल. ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं भी आता होगा तो मैं सिखा दूंगी. सिखा दूंगी. कभी तो ऐसा लाइफ में हो जाता है कि बनाना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा आना चाहिए. रिधिमा, तुमको थोड़ा थोड़ा आता है? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत. आंटी इसको तो पूरा ही आता है. हाँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हाय हाय, रब ने बना दी जोड़ी किचन चैंपियन. रब ने नहीं बना दी, अर्जुन ने बना दी जोड़ी. चलिए मेन डिश बन चुका है, अब डिजर्ट बनाने का टाइम आ गया है. आपकी सामग्री आपके सामने है. मैं पूछता हूँ आपसे कि इसे बनाने के लिए क्या क्या सामग्री यूज होती है? जैसे कि हमने कहा हम बना रहे एप्पल कुकी. बेसिकली बच्चों का इंटरेस्ट होता है फ्रूट खाने में, अदरवाइज बच्चे नॉर्मली फ्रूट खाने से कतराते हैं. जैसे कि इनके जो बेटे हैं वो 9 साल के हैं, वो फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाते, तो उनके लिए हमने ये रेसिपी सीखी थी. ये चोको चिप्स जो है इससे हम बनाते हैं आइस. अब स्माइली. ओ वाओ, थोड़ा क्रिएटिव भी हो जाता है. ओके बताइए भाई. इसमें आपने कुछ डाला नहीं अभी? ऐसी अभी, हाँ अभी हम इसको ऐसे ही फेंट रहे हैं. इसमें थोड़ा सा कोकोनट मिल्क है और दही है, तो इसको हम फेंट रहे हैं दही को. मैपल सिरप डाल के इसको और मिक्स कर लेंगे हम. बच्चों के पसंद के हिसाब से मैंगो, स्ट्रॉबेरी, कीवी कुछ भी डाल सकते हैं. फिर उसके बाद उसमें मोल्ड्स में फ्रूट डाल के इसको फिर फ्रीज कर देंगे, तो उसके बाद ये बन जाएगी बच्चों के लिए दही चुस्की. ओके आंटी, टीम्स का खाना तैयार हो चुका है, तो अपनी अपनी डिशेस को प्लेट में सजा दे. किनोआ बिरयानी तैयार है और इसको हम गार्निश करेंगे तले हुए प्याज से और सर्व करेंगे रायते के साथ. बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने डिसाइड किया कि चोको चिप्स को आंखें बनाएंगे और स्माइलीज के लिए हम यूज करेंगे. चलो वहाँ देखे क्या हुआ है. हमारी प्लेटिंग हो चुकी है. अरे वाह आंटी, आपने तो कर दिया सब. इसमें वेजीज ऊपर से डाले हैं चाइनीज स्टाइल, और नूडल्स है और किनुआ है. दही चुस्की बनाने के लिए दही और मेपल सिरप को अच्छे से फेंट लें. अब हम एक मोल्ड लेंगे
और उसमें कीवी और स्ट्रॉबेरी के पीसेस लगाकर दही से उसे भर देंगे। और आपकी चुस्की, उसकी भी हमारी फ्रिज में रख दी है, तो इसलिए उसको बना के हमने फ्रिज में रखवा दिया है। हुस्न परी लहराती हुई इंटरनेशनल ट्रॉली। सबसे पहले शिविन आप शुरू कीजिए। ये चाइनीज स्टाइल का किनुआ है, ओके? चाइनीज स्टाइल। किनुआ। ये छोटे छोटे गाना बन गया इसका। आओ। आराम आराम। अच्छा लगेगा, आराम से खाओ। दलिये की तरह है। अच्छा। चटपटा। अभी गर्वित को खाने दो। गर्वित मुंह खोल। आपको वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं कि नहीं? और भर के ठूस। ले, ये सब मेरे ही वर्ड। नहीं, इसको अच्छा लगेगा। दिस इज चाइनीज स्टाइल। ठीक है, अभी परी को खिला दो। थोड़ा सा खाओ। अच्छा लगेगा। कैसा है? चलो चलो, आप रिधिमा दीदी खिलाएंगी। अभी हमारे किनुआ बिरयानी की बारी। Okay. मुझे पूरा भी, मुझे भी। अब हम न्यू स्पून यस न्यू स्पून। आपको खाली रायता चाहिए? अच्छा था। पहले हम हमारे इन जज को खिला देते हैं। अभी आपको खाली ये रायता दूं कि राइस के साथ दूं? बहुत अच्छा राइस है यार ये। सच्ची? बहुत ज्यादा ये। अच्छा, अभी आपका टर्न। इसका बहुत अच्छा। खा लिया सबने। अब बारी है आइसक्रीम की, चुस्की की। पहले कौन खाएगा? ठंडी ऐसा लग रहा है, बर्फ में बैठी हुई हूँ। तो ठंडी ही होगी। चलो इसको अभी इसको खिलाओ गर्वित को। आ जा। क्या हुआ? ठंडा है बहुत। देखो इनको इनको स्पून से खिलाता हूँ मैं। इससे खिला रही है। ठंडा है। चलो चलो, आप रिधिमा दीदी खिलाएंगी। ओफो। खाए तो नहीं। बाइट तो करो। तो खाए क्यों? Oh my God. अरे रुक जा। उसको दे दे, उसको हाथ में दे दे, उसको हाथ में दे दो, हाथ में दे दो। Okay. क्या हुआ? हाथ काटा? Okay. ये पीनट बटर है क्या? Yes, yummy, yummy. Very good. Give it up for Arna. मैं फैन हो गई इसकी। फैन हो गई। फैन हो गई। गर्वित क्या हो गया? फ्रूट खा रहा है। मैं सोचूं, ऊपर खड़ा था, मैं सोच रहा हूं इतने टाइम से इसने कुछ बोला क्यों नहीं है। तो इसके मुंह में कीवी अटका है। गर्वित, अब रिजल्ट दे सकते हैं? रिजल्ट दे दे गर्वित। अरे इतना सोचा है। इनायत, आप शुरू करो। मैं इस माली बहुत देना चाहूंगी रिधिमा दीदी को, क्योंकि क्योंकि जो राइस था ना, उसमें चटपटा टेस्ट था। किनोआ बेटा, किनोआ राइस नहीं था, किनोआ। अच्छा, किनोआ। शेजवान शेजवान सॉस इतने अच्छे लगे ना, पीनट बटर के साथ और ऊपर चॉकलेट के साथ, एकदम लल्लन टाइप। ये स्माइली बॉल दिल से देना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू।
बच्चों को पसंद है आइसक्रीम के लिए। अरे स्कोर 1-1 हो चुका है, अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम डिसाइड करोगी कि विनर कौन होगा। सोमवार से शुक्रवार दोपहर को 1:30 बजे देखना ना भूले किचन चैंपियन पावर्ड बाय रिलायंस स्मार्ट ओनली ऑन कलर्स। और तब तक मेरे साथ गाते रहिए आता रहे मेरा दिल। फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.